Hello everyone, आज हम बात करेंगे माउस की कुछ इम्पोर्टेंट सेटिंग्स के बारे में, आई थिंक जो कि हर लैपटॉप या कंप्यूटर यूजर को पता होनी चाहिए. सो चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन पे और देखते हैं कि वो इम्पोर्टेंट सेटिंग्स कौन सी हैं. सबसे पहले क्लिक करेंगे कंट्रोल पैनल पे, देन एक विंडो आएगी, उसमें से क्लिक करेंगे माउस पे. इसके बाद माउस प्रॉपर्टीज ऑप्शन आएगी विंडो, उसमें हमने सेकेंड पॉइंट है पॉइंटर्स, उसको सिलेक्ट करेंगे. देन उसमें से अपनी मर्जी से हम जो भी कर्सर सेलेक्ट करना चाह रहे हैं उसे हम सेलेक्ट कर लेंगे. जैसे हमने पेंसिल सेलेक्ट करनी है तो वो सेलेक्ट कर लेंगे. यहाँ पर स्कीम बनी हुई है, उसमें से कोई सा भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं, बट बाय डिफॉल्ट जो है वो एरो ही होता है. इसमें से अपनी मर्जी से आप सेलेक्ट कर देते हैं, देन आप अप्लाई करेंगे और ओके कर देंगे. अप्लाई करके ओके कर देंगे, ये हमारा सेलेक्ट हो जाएगा जो भी हमने सेलेक्ट करना है. दोबारा से कंट्रोल पैनल पे जाएंगे, देन माउस पे क्लिक करेंगे. इसके बाद माउस प्रॉपर्टीज में से थर्ड पॉइंट है पॉइंटर ऑप्शंस, इसमें लास्ट पे है शो लोकेशन ऑफ पॉइंटर व्हेन आई प्रेस कंट्रोल की, इसको चेक करेंगे, देन अप्लाई करेंगे और ओके कर देंगे. अब डेस्कटॉप पे जब भी कंट्रोल प्रेस करेंगे तो हमें पता चल जाएगा एरो किस पॉइंट पे है. अब हम अगेन जाएंगे कंट्रोल पैनल पे, देन हम क्लिक करेंगे माउस, सेकंड विंडो में माउस पे क्लिक कर देंगे. इसके बाद दोबारा थर्ड पॉइंट है पॉइंटर ऑप्शंस, उसमें से हमने सेकंड है ऑटोमेटिकली मूव पॉइंटर टू द डिफॉल्ट बटन इन अ डायलॉग बॉक्स, उसे चेक कर देंगे. उसे चेक करके देन हम अप्लाई करेंगे और ओके कर देंगे. इससे जब भी हम कोई विंडो अगर ओपन करेंगे हमारा बाय डिफॉल्ट एरो ओके वाले पॉइंट पे ही रहेगा. अब नेक्स्ट हम कंट्रोल पैनल पे जाएंगे, देन क्लिक करेंगे माउस. इसके बाद लास्ट वाला ऑप्शन है हमारे पास टच पैड का. टच पैड में डिसेबल और इनेबल, मोस्ट से लोगों को ये प्रॉब्लम होती है, उनका टच पैड डिसेबल या डिसेबल हो जाता है जब वो काम करना फिर बंद कर देता है. यहाँ से हम डिसेबल और इनेबल करके अपने टच पैड को की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं. अब हम जाएंगे नीचे स्टार्ट विंडो आइकन पे, देन सेटिंग्स में जाएंगे. इसके बाद ऊपर डिवाइसेस में लिखा हुआ है ब्लूटूथ प्रिंटर्स और माउस, उसमें उसके बाद नेक्स्ट विंडो में थर्ड पॉइंट माउस पे जाएंगे, देन राइट साइड पे है और जस्ट माउस एंड कर्सर. यहाँ से हम इसका साइज भी एडजस्ट कर सकते हैं अपनी मर्जी से, साइज कम या ज़्यादा कर सकते हैं. इसके अलावा इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं, मतलब कोई सा भी हमने कलर करना है, ट्रांसपेरेंट वाइट ब्लैक या कोई कलरफुल करना है तो वो अपनी मर्जी से हम इसे कलर भी दे सकते हैं. जैसे पर्पल हो गया, अगेन हमने वाइट कर दिया. अब एच पी लैपटॉप यूजर्स को मोस्टली ये प्रॉब्लम होती है कि उनके टच पैड पे लाइट ऑन हो जाती है टच पैड पे, तो उस पर डबल टैप करें ना दो बार फिंगर को टैप करें तो वो प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाती है. ये बस एचपी जो लैपटॉप्स होते हैं ना उनमें ये इश्यू फेस करना पड़ता है.